नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। कर्नाटक पॉलिटिकल लीग 2018। लेकिन आज का बड़ा सवाल ये जो हम लोग बेलगावी से उठाने जा रहे हैं वो ये कि कर्नाटक का किंग कौन होगा, कर्नाटक की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, कर्नाटक का सरदार कौन होगा, कौन जीतेगा कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये लाख टक्के का सवाल इस वक्त मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में, हर किसी की जुबान पर है। लेकिन जवाब मिलेगा 15 तारीख को। अब से 18 दिन बाद वोटिंग और 15 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन जनता का मूड भांपने की कोशिश की जा रही है। जी हां, संकेत अभी से मिलने नजर आ रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है, 18 दिन बाकी है। लेकिन अभी की बात की जाए तो कर्नाटक विधानसभा, अभी जो ओपिनियन पोल्स हुए उसमें जो बड़ी तस्वीर बनती नजर आ रही है उसकी माने तो जो जेडीएस से मेरे मेहमान हैं यही तय करेंगे, जेडीएस तय करेगी कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक विधानसभा खंडित जनादेश की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। किसी भी पार्टी को बहुमत यहां पर मिलता नजर नहीं आ रहा है। यही तस्वीर फिलहाल उभरती नजर आ रही है कर्नाटक विधानसभा की। अगर बात की जाए, चर्चा की शुरुआत करेंगे कि फिर कैसे बनेगी सरकार, बीजेपी क्या कमल खिला पाएगी कर्नाटक में, या कांग्रेस को फिर से मौका मिलेगा। क्योंकि वैसे इतिहास देखा जाए तो सत्ता की अदला बदली का इतिहास 80 से रहा है, एक बार को अगर छोड़ दिया जाए। इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल एक बार हम उठा देते हैं कि किन किन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कि क्या कर्नाटक का रिजल्ट 2019 का ट्रेलर है, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यहीं से देश की दशा और दिशा तय होने जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल, कर्नाटक में काम नहीं आया क्या हिंदुओं का बंटवारा, लिंगायत कार्ड नहीं चला क्या, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। कर्नाटक में लिंगायत का जो कार्ड था क्या वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चला गया था वो क्या फेल हो गया। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये, गुजरात में भी सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस की तरफ से चला गया था, यहां पर भी क्या हिंदुत्व के डबल रोल से, हिंदुत्व के डबल रोल की वजह से क्या हारी कांग्रेस। ये तमाम सवाल होंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों से आपका तारुफ भी कराऊंगा, उससे पहले रिपोर्ट आपके लिए देखना जरूरी है। Congress PCC president is also aware of the fact that Congress is not going to win. Congress has lost the confidence of the people. जनता का विश्वास भी खो चुके हैं और अपना विश्वास भी खो चुके हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होकर भी आप डर गए हैं, वो भाग रहे हैं, लेकिन अब जनता से भाग नहीं सकते, जनता उनको परास्त करेगी। कांग्रेस सरकार ने ये साहस दिखाया कि जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार एक के बाद एक 6 केसेस बंद कर रही थी तो उन्होंने सीबीआई से कंसेंट वापस लेकर एसआईटी का गठन किया है। सारे मामले जो सम्मानित लोक आयुक्त की रिपोर्ट में लिखे हैं सब व्यक्तियों के खिलाफ वो सब आएंगे। नाउ द मैसेज हैज कंप्लीटली गॉन, सिद्धरमैया एंड हिज गवर्नमेंट इज डेस्परेट, कांग्रेस लीडरशिप इज इन डिस्परेशन। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी और पिछली बार हमें 122 सीटें मिली थी, उससे ज्यादा सीटें, लगभग 140 सीटें आएगी। यानी कि ओपिनियन पोल्स की अगर माने तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत, मतलब मैजिकल फिगर जो है वो 113 की है, 224 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी पार्टी को 113 सीटें मिलती नजर नहीं आ रही है। अभी की बात की जाए, 18 दिन बाकी है वोटिंग में, अभी ये तस्वीर खंडित जनादेश की उभरती हुई नजर आ रही है। जेडीएस किंग मेकर बनती नजर आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी में 90 के आसपास सीटें बंटती नजर आ रही है, तो फिर होगा क्या। चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से राजू सेठ साहब है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजू सेठ साहब का। राजू जी आपका स्वागत है। मेरे साथ बीजेपी से है राजकुमार टोपनवार, राजकुमार जी आपका भी स्वागत। और मेरे साथ जेडीएस से सईद मंजूर साहब हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है जेडीएस की, क्योंकि अभी के हिसाब से किंग मेकर जेडीएस बनने जा रही है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बजाय सर आप ही से अगर शुरुआत करूं,
किंग मेकर आप लोग बनने जा रहे हैं, सत्ता की चाबी आप लोगों के पास है, अभी अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए किस तरह जाएंगे कांग्रेस बीजेपी? आप किंग मेकर बता रहे हो, ओपिनियन पोल बता रहे, ओपिनियन पोल भी बता रहा, उसके साथ में आप भी बता रहे हो, किंग मेकर होने से ही पूरी सत्ता में आना बोलकर हमारे जेडीएस वालों का यह है। हमारे राष्ट्रीय माजी प्रधानमंत्री जी का और एक्स सीएम कुमार स्वामी का, नहीं आप बहुमत से बहुत दूर है सर, आप 40-45 पांच सर्वेज हैं किसी तो में हमारे खुद की राय है, मैं सर्वेज की बात कर रहा हूं, हम आ जाएंगे तो आप लोग बहुत दूर है सर बहुमत से। अगर आगे आने वाले दिनों में दोनों में भी ऐसा एडजस्ट होना करके तो कुछ नहीं है, नहीं है ऐसा कुछ, किसी का साथ नहीं देंगे किसी का, वैसा अगर मेरे ख्याल से देवेगौड़ा साहब का भी बयान आ गया है, देवेगौड़ा साहब ने बोल दिया, एचडी देवेगौड़ा ने, कि बीजेपी का तो देंगे नहीं, पांच साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए, कांग्रेस का भी नहीं देंगे, वो पूरे कांग्रेस ने भी बुरा चुके थे वो, जी 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 वालों ने तो पूरे बहुमत में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके थे, तो उनके साथ में क्या करेंगे, वो ऊपर वालों को छोड़ा हुआ, ठीक है, अब आगे आने वाले वही कांग्रेस वालों के साथ में, जैसा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी है उनके राय पे किस हिसाब से जाता है उस हिसाब से चलेगा, मतलब कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले आप इशारा कर रहे हैं हमेशा, कांग्रेस के लिए खुले हमेशा, वो तो मंसूर साहब वो तो ये आप अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं यहाँ पर, ये कांग्रेस के बीटी में ये बोलते हैं बीजेपी वाले, आप वो बोलते हैं बीजेपी की बीटी, कांग्रेस बोलती है बीजेपी की बीटी, बीजेपी बोलती है कांग्रेस की बीटी, चलिए एक मिनट एक मिनट, हाँ सर राजू सेठ है कांग्रेस से, राजू सेठ साहब बीजेपी के लिए, मैसूर में जो राजू सेठ साहब अगर सवाल से सुन लीजिए ना राजू जी, सवाल से लीजिए, जो हिसाब से लड़ा जा रहा है वो तो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं सीएम के खिलाफ, अब हमारी लेकिन इस अंदाज से देखते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन चुनाव में तो आपके साथ थे वो अभी भी है, फिर राजू सेठ साहब कॉर्पोरेशन चुनाव में तो साथ में मेयर डिप्टी मेयर बना लिया, आगे चल के यहाँ तो कांग्रेस साथ आ गई, नहीं होगा वो हम देखेंगे, लेकिन हमारा यही कॉन्फिडेंस है कि हम बहुमत पूरी बहुमत से आएंगे, पूरे 5 साल सिद्धरामैया सरकार कांग्रेस सरकार ने जो काम किया, नहीं आ रहा ना सर, नहीं आ रहा ना, करप्शन हुआ था जहाँ 5-6 मंत्री जेल गए थे, सीएम जेल गया था, और क्या की कमीशन बात करते हो, 5 मंत्री जेल गए थे 2008 से 2013 तक देखेंगे, तो 5 मंत्री जेल चले गए थे, कोई बेल के बात कर रहा था, नेशनल प्रेसिडेंट हैरान केस में राजू जी राजू जी ऐसे नहीं लड़िए नहीं ना एक मिनट ना, अभी तो नतीजे आने में बहुत समय है सर, अभी मत लड़िए राजू जी, करप्शन की बात करना ही नहीं, राजू जी एक सवाल का जवाब तो देंगे ना, करप्शन की बात करना सर, सवाल का जवाब तो देंगे ना राजू जी, मेरा सवाल तो ले लीजिए राजू जी, मैंने सवाल तो ले लीजिए राजू जी, सवाल तो ले लीजिए, मॉरल राइट भी नहीं, देखिए ये कर्नाटक पॉलिटिकल लीग है ना, ये कर्नाटक पॉलिटिकल लीग है ना सर, यहाँ सर बीजेपी के जो नेता है ना वो मुझे ये कह रहे हैं कि अभी तो धोनी मैदान में ही नहीं उतरा, अब तो खेल बाकी है, अब तो खेल बाकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो तो 1 तारीख से आएंगे, अभी मोदी आए नहीं उससे पहले आपका ये हाल हो गया, एक मिनट नारेबाजी नहीं सर, नारेबाजी मत कीजिए, मोदी साहब कर्नाटक में कोई आके कुछ फर्क नहीं होने वाला, नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमित शाह की हवा चलेगी ना मोदी जी की हवा चलेगी, राहुल गांधी का हवा नहीं है तो बोल रहे हैं, उनके आने से पहले ही आपकी सीटें क्यों घट रही है सर, कुछ घट नहीं रही है, आप 90 के आसपास पहुंच रहे हैं, डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, मोदी का डर है, राजकुमार साहब हाँ जी आपके लिए भी आसान नहीं है फाइट, आप भी यही 85-90 के आसपास सिमटते नजर आ रहे हैं, व्हाटएवर टुडे यू आर सेइंग 80-89 व्हाटएवर 90 के आसपास लगा लीजिए आप, जी अगर मोदी जी आएंगे, बहुमत नहीं है आपके पास, नहीं आएगा बहुमत, डेफिनेटली आएगा, बिकॉज पीपल ऑफ कर्नाटका हैव सीन द लास्ट 5 इयर्स में ये जो 10% सीएम का जो मिसरूल देखा है, इसने इन्होंने जो हिंदुओं को ब्रेकअप करने का जो ये गंदा खेल खेला है, वो कौन खेल खेल रहा है, आप रहे हो, हम लोग नहीं खेल रहे, आपके सीएम खेल रहे हो, हम नहीं खेल रहे, परसों रोज आपके लोग खेल रहे हैं, आपका इनका जो आपके सीएम ने कहा, आपका सीएम कर रहे हैं, हम लोगों ने नहीं किया है, वो बोलता है हिंदुओं को तोड़ने का कार्य खेल के मजे तो बनने की बात करता है, आपने कैसे आपने आपका संजय पाटिल ने कहा, राजकुमार साहब नहीं नहीं मैं राजकुमार साहब में है, बंटवारा करने का काम आप करते आ रहे हो, बंटवारा कभी भी कांग्रेस नहीं किया, लिंगायत लोगों को धोया अलग नहीं किया, एक गलत बात है, लिंगायत का पूरा बैकफायर होगा कांग्रेस को, लिंगायत कौन बांट रहा है, एक बार आप इसे एक मिनट आप लोग लड़ लीजिए आपस में, उनके सामने जाना पड़ेगा, कौन बांट रहा है, बीजेपी कांग्रेस, अरे बीजेपी बांट रही है इसके अंदर, और संजय पाटिल ने ना डिवाइड करने की कोशिश की है, और इसको वायरल भी हो गया है कि फोटो वायरल हो गया है, सब वायरल हो गया है, मेरा जो प्रश्न था एक मिनट उनको बोलने दीजिए, एक मिनट
इनके एक एक करके सबको माइक दीजिए। इनके विधायक बोलते हैं सर, अब हम कहने की बात अगर एक प्रश्न लेते हैं तो कर्नाटक में आज तक 22 हिंदू लोगों का, हिंदू युवकों का मर्डर हो चुका है। अब तक जो अपना रूलिंग कांग्रेस पार्टी था उसके बारे में ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और किसी को भी न्याय नहीं मिला हमको। तो हम इसी बात को लेकर अगर उठते हैं तो ठीक है, कांग्रेस सेफ नहीं है कर्नाटक के लिए। ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से तो नहीं सीटें कम हो गई हैं आपकी सर? ये इशू है राजू जी, बेंगलुरु में कई लोगों को मार दिया गया, जांच नहीं पूरी हुई। एक बार जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए राजू जी। लॉ एंड ऑर्डर के कर्नाटक में बात ही नहीं हुई है, इन्होंने दंगा फसाद करने की कोशिश की है। लोकायुक्त पर हमला हो गया आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को बात नहीं? लोकायुक्त का हमला एक पागल आदमी ने किया है सर। कहां हमने काम सुना है आज तक कि किसी राज्य के लोकायुक्त में घुसकर ऑफिस में घुसकर मार दिया? मर्डर हो गए हैं मंगलोर में, कितने मर्डर हो गए हैं तो सर क्यों हो रहे? तो कह रहा हूं सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये सवाल है ना। किसी गुंडा ने लोकायुक्त पर हमला किया लेकिन इनकी सरकार ने लोकायुक्त को दादी कर दिया, टूथलेस लोकायुक्त कम्प्लीटली इनएफिशिएंट। लोकायुक्त इन्होंने लाया एसीबी, एसीबी इनके इशारे पर नाचता है। एसीबी इज नॉट फाइलिंग एनी केसेस ऑन एनी ओल्ड साहब को, इतने सारे करप्शन केसेस है जो कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के भी दो विधायक दरअसल यहां से चुनकर आते हैं। इस जिले की अगर बात की जाए, पहले 7 फिर 5 और अब 2, संख्या तो आपकी भी लगातार घट रही है मालोजी साहब। हम लोग ओपिनियन पोल पर चर्चा कर रहे हैं, ओपिनियन पोल के हिसाब से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत यहां पर मिलता नजर नहीं आ रहा है। सत्ता की चाबी जेडीएस के हाथ में, आपका रिएक्शन मालोजी साहब? कर्नाटक में अभी देखा जाए तो हमें ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी का राज आज तो है, किंतु बीजेपी वाले भी आ रहे हैं। हम बाकी के बारे में नहीं बोलते किंतु इतना बोलेंगे कि जो सीमा प्रदेश जो है जिसको विवादित प्रदेश हम कहते हैं, उसमें महाराष्ट्र एकीकरण समिति अभी चुनाव में है और इस बार गत साल जो 2 सीटें थी उसमें बढ़ती हो गया ऐसा मुझे लगता है। नहीं लेकिन अगर मेरे ख्याल से मंसूर साहब आप ही से मैं अगला रिएक्शन ले लेता हूं, अगर हम ये मुंबई कर्नाटका की बात की जाए, महाराष्ट्र कर्नाटका मुंबई कर्नाटका जो कहा जाता है, ये जो सीमावर्ती इलाका है, यहां पर भी जो विधानसभा की 50 सीटें हैं और जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी गेन कर रही है, बीजेपी गेन कर रही है और कांग्रेस लूज कर रही है, लेकिन आपका कहीं यहां पर खेल नहीं है सर मंसूर साहब? ये तो बात को मानना भी पड़ता है आपके बात के हिसाब से, क्योंकि उतना खेल नहीं है, मतलब अचानक आ जाएगा रिजल्ट, आपको बता देगा अचानक आ जाएगा क्योंकि बहुमत पे कहां से पहुंचेंगे आप? तो बहुमत का दावा कर रहे हैं, मुंबई कर्नाटका में आपका वजूद ही नहीं आपके, बहुमत में जब आप नहीं है करके बोल रहे हैं ना, तो हमारे बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, आपके तो बगैर नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपके बगैर नहीं कुछ होगा नहीं, लेकिन आप अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे करके अब भी हम बोलेंगे, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आज ही अभी फिलहाल देखिए चित्तूर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बीजेपी के एक्स एमएलए आज जेडीएस का कैंडिडेट जाकर वहां पे नॉमिनेशन भर रहा था, कल जाके किसी को पता ही नहीं बीजेपी एमएलए जाकर उधर जेडीएस से कैंडिडेट होकर खड़ा हो गया। ऐसे बहुत सारे जो बीजेपी से जो येडियुरप्पा का एक ग्रुप है, सदानंद गौड़ा का एक ग्रुप है, ये बीजेपी में चार ग्रुप, चार लीडर, येडियुरप्पा का एक ग्रुप है, ऐसे ग्रुपिज्म से वो बीजेपी फूट हो जाएगी। बीजेपी की मीटिंग कह रहे हैं आप, कह रहे हैं बीजेपी में फूट हो जाएगी, राजकुमार जी इतना मत लड़िए, मना के रखिए, सरकार बनानी पड़ सकती है, नहीं आएंगे, अगर उनको सरकार बनना है तो आएंगे हमारे पास, इतना लड़िए मत, हम नहीं जाएंगे इनके पास में, तो हम नहीं जाएंगे इनके पास, नहीं जाएंगे कांग्रेस के पास, पूरा बहुमत हो जाएगा खुद। एक मिनट ठीक है राजू सेठ साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, या मंदिर मठ जो गए राहुल गांधी, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड आप लोग खेल रहे थे वो फेल हुआ, या लिंगायत कार्ड फेल हुआ, क्या आपके क्या अगेंस्ट में क्या जा रहा है जो थोड़ी नाराजगी है, सीटें कम हो रही है अभी के हिसाब से? मैं अभी भी आपको वायदे के हिसाब से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की 130 सीटें आएंगी। आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है मेरे को नहीं पता, उस हिसाब से तो सर, नहीं नहीं उस हिसाब से तो आपका लिंगायत कार्ड भी फेल हो गया। वी विल गेट 130 सीट्स, लिंगायत कार्ड का सवाल नहीं था, लिंगायत लोग की एक मांग थी जो काफी सालों से पेंडिंग थी। तो सर आपको चार साल 10 महीने बाद याद आया? नहीं, ये मैनिपुलेटेड है, ये मैनिपुलेटेड है, नहीं मेरे को बात करने, ये मैनिपुलेटेड बात करने दीजिए, लिंगायत लोग के बारे में बात करेंगे तो मुझे बात करना पड़ेगा, ये मैनिपुलेटेड है, क्या हमने सेंटर को भेज दिया आपने? राजू जी, राजू जी आप गंभीर थे, आप गंभीर थे? कोई गंभीर नहीं था, आप इस मांग को लेकर गंभीर थे? गंभीर नहीं था। चुनाव आने से पहले 2 महीने पहले क्यों आ गए लिंगायत? चार साल 10 महीने काट लिए, तभी मांगे तभी, जब शुरुआत से आप लोग कह रहे हैं मांगे तभी भिजवा दिए सेंटर को फॉरवर्ड करके। मंसूर साहब जी,
मंजूर साहब बोलिए, ये मांग लिंगायत को लेकर क्या लिंगायत कार्ड उल्टा पड़ेगा या फेवर में जाएगा, आपको क्या लगता है, आपकी क्या रीडिंग है? ये लॉबी है और कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अभी कांग्रेस वालों को भी क्या चाहिए था कि लिंगायत कम्युनिटी ज्यादातर बीजेपी तरफ बट रही है, तो वो बटने वाली हमारी तरफ किसे खींचना, तो ऐसा मजहब के नाम से ना ये दोनों पार्टी बहुत सारा पक्ष में जाएगा, हाँ या ना सर, कांग्रेस पार्टी सवाल, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा या नहीं? नहीं, एक बार वो ऊपर सेंट्रल, एक बात ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कांग्रेस पर डोरे डाल रहे हैं, मोदी मोदी जी से जो होना था वो जेडीएस कांग्रेस पर डोरे डाल रहे हैं, तो मोदी जी देंगे नहीं, वो एक होने के लिए तो कहां पे भी नहीं देंगे, लिंगायत में भी फूट अगर यहाँ पे चल रहा है तो वो एक होने के लिए नहीं देंगे, जो सिद्धरामैया करेगा उसके वो अपोजिट करके दिखाएंगे, उस हिसाब से बढ़ते ही जाएंगे क्या, उस लिंगायत की काट के रूप में जो आप लोगों का हिंदुत्व का काट है, जो संजय पाटिल का वीडियो आया, तमाम जो चीजें, राजकुमार साहब एक मिनट, राजू जी स्टेट में कोई मजहबी रिलीजन का काट नहीं चलेगा, क्या काट देगा यहां पे, सिर्फ डेवलपमेंट का काट चलेगा, करप्शन नहीं हुआ वो काट चलेगा, और कोई काट नहीं चलेगा यहां पे, कोई कार्ड नहीं चलेगा, और कोई कार्ड है भी नहीं, नहीं नहीं चल रहा ना सर, आप मान रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि उनका देखिए ना सर, सीटें घट रही है ना राजू जी, वो नहीं चलेगा, वो मान गए, नहीं नहीं हमने कहा, खुद अभी आप ओपन में मान रहे हो कि लिंगायत का नहीं चलेगा, इसीलिए आप चुप बैठे, हमने कहा था हम लिंगायत का कार्ड एक्सेप्टेड, ही इज एक्सेप्टेड, वेरी वेरी आई बी प्लेड द लिंगायत कार्ड, वी हैव नॉट सेड वी आर, हु इज प्लेड, कांग्रेस इज प्लेड, हु इज प्लेड, कांग्रेस इज प्लेड, अ कम्युनिटी वांट्स टू डिवाइड लिंगायत, वी गिव इट टू देम, चलिए आप लोगों से पूछ लेते हैं, क्या ये जो ओपिनियन पोल है, एक मिनट, ये जो ओपिनियन पोल है, सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही सबसे जो भी बोलना चाहिए, ये जो ओपिनियन पोल है इसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की सीटें घटती नजर आ रही है, बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान की वजह क्या लिंगायत कार्ड है, क्या नाराजगी है या बांटने की कोशिश की गई है, क्या ये चीज इस वजह से नुकसान हो रहा है क्या? कांग्रेस लिंगायत को आज तक बांटते ही आ गई है, अभी कर्नाटक में आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए जो लिंगायत ने लिंगायत को लोगों कांग्रेस ने बांटा है, लेकिन सत्ता के कारण या सत्ता के मैटर में जितने एमएलए सीट लिंगायत को देना था उसने कांग्रेस ने एमएलए को नहीं दिया, बल्कि बीजेपी ने हाईएस्ट एमएलए को टिकट दे दिया आज के कारण, और ऊपर से हमारा सीएम कैंडिडेट जो है बीजेपी का वो लिंगायत है, कांग्रेस ने किसी लिंगायत को सीएम बनाने की कोशिश की है आज के दिन में, और एक मिनट, आज के दिन में हम सोशल जस्टिस करके सभी को लेके लिंगायत लोगों को सिर्फ बांटने में ये लोग 5 साल बिताए, और जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं वो सिर्फ चंद दिनों के घंटों में, अभी जो इलेक्शन आए उसके लिए बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, मगर वैसे कुछ डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं, सिर्फ वो जाति को कैसे कैसे उसको छोड़ना है, कैसे बांटना है करके, उसमें 5 साल उनका गवा गया, यही लोगों के सवाल हैं, और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज भी यही कहकर कांग्रेस पर हमला कर रही है कि आप हिंदू हिंदू जपते हैं, मंदिर मठ जा रहे हैं राहुल गांधी, और हिंदुओं को बांट भी रहे हैं, आज ही नहीं जाते, पहले से ही जाते हैं, हिंदुओं को क्यों बांट रहे हैं, पहले से ही जाते हैं, पहले से ही जाते हैं, मैंने बात देखा सर, गुजरात के टाइम से राहुल गांधी जा रहे हैं, आपने हिंदुओं को बांटने का काम किया, हमने किया ही नहीं है, हमने हमेशा हर कौम को जोड़ने का काम किया है, हर कम्युनिटी को जोड़ने का काम किया है, हमारे कलर को साथ में लेकर चलने का काम किया है, हमने सोशल जस्टिस का काम किया है, हमने मुसलमान को साथ में लिया है, हिंदुओं को साथ में लिया है, क्रिश्चियन को साथ में लिया है, दलितों को साथ में लिया है, फिर भी सीटें घट रही है, सीटें नहीं घटेगी, नहीं घटेगी, सीटें घटेगी ही नहीं, ये आपका वहम है जी, आपका वहम है, घटेगी ही नहीं। मंजूर साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं कर्नाटक में, लेकिन पूरा कर्नाटक का जो नरेटिव है वो हिंदू मुस्लिम लिंगायत कन्नड़ प्राइड ये इन चीजों के इर्द गिर्द, कोई इश्यूज की कोई बात नहीं कर रहा है, कोई विकास की बात नहीं कर रहा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, किसानों की बात नहीं कर रहा, 3500 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। आज किसानों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, जितने भी मर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई आंखें खोल रहा नहीं, और आम आदमी के लिए और गरीब के लिए तो सब मर चुके हैं पार्टी, दोनों पार्टी, नेशनल पार्टी, क्योंकि आज बीजेपी वालों ने मजहब में, हिंदू मुसलमान में, दलितों में आग लगाना और बिछड़ाना और उनके लिए काम करवाना, जब बैकवर्ड कम्युनिटी के हिंदुइज्म में है तो उनको आज तक कितने टिकट देकर एमएलए बनाए ये लोग, नहीं बनाए, सिर्फ मारामारी करने के लिए आगे भेज देते हैं, जेल भेजने के लिए भेज देते हैं, बस इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दलितों के लिए जवाब देने दीजिए ना, आप इतने सारे सवाल पूछ लेने जवाब नहीं दे पा रहे, क्या किया दलितों के लिए? अनंत कुमार हेगड़े ने इतने खुले आम
आज डॉक्टर साहब अंबेडकर का संविधान बदलने की जो बात कही थी वो किस हिसाब से, अगर वो संविधान नहीं रहता तो अनंत कुमार हमारे एमपी भी नहीं बन सकता था। संविधान की बात कीजिए, संविधान के बारे में बात कीजिए, बदलने की एमपी भी नहीं रह सकते जहां वोटिंग पावर आया राहुल गांधी ने भी बीजेपी को दलित विरोधी संविधान को अगर दिक्कत है तो ये बीजेपी आज मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग मोर वर्क फॉर ओबीसी एंड फॉर दलित, कितना काम दलितों के लिए और ओबीसी के लिए इतने राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी मोदी गवर्नमेंट कर रहा है, कांग्रेस इज ओनली लिप सर्विस, कांग्रेस इज ओनली लिप सर्विस। माइक दीजिए, माइक दीजिए। हेलो, क्या गलत बात है आप बोलना चाह रहे थे ना, क्या गलत? अभी तक हमारा दलित के लिए बीजेपी सरकार ने अभी तक किया ही नहीं सर, हमारा दलित के लिए उसने निकाल के रखा है वैसा। ठीक है, ठीक है, और कोई? जी जी, बीजेपी सरकार जो है ना वो जातिवाद है, हमारा दलित के लिए माइनॉरिटी के लिए कौन सा भी हमारा ओबीसी के लिए भी कुछ नहीं किया है, खाली जातिवाद कर रहा है हमारा कांग्रेस, हमारा सरकार, हमारा सिद्धरामैया का सरकार है, मोदी गवर्नमेंट इज इनाम फॉर द दलित एंड फॉर द ओबीसी, वो बहुत सारे स्कीम दी है कर्नाटक का गवर्नमेंट को भी दीजिए। मैं जयपाल जी, इनको अभी बीजेपी में जो एससी के लोग हैं, एमएलए एमपी जितना हमारे बीजेपी में है उस दूसरे पार्टी में कोई भी नहीं है। आप जाके लिस्ट देखो कौन ज्यादा है, एससी के हमारे ही ज्यादा है। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है दलित, ये लोग दलितों की बात करते हैं, हमने अपने राष्ट्रपति को दलित बनाया। राष्ट्रपति कौन है? एमपी ने हमारे एमपी से डिजाइन करने की कोशिश की है, एक दलित एमपी ने जो कर रहे थे उसके पीछे उन्हें ने कहा कि तुम ऐसा करेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा करके। सर पहला मैं स्टार्टिंग से बात करना चाहता हूं। जी जी बोलिए। ये एक कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसा है, एक ही गवर्नमेंट है इंडिया में, वो सबको लेके चल रहा है। अभी तो अभी लिंगायत डिवाइडेशन, अभी एक लोग बोले मैं एक लिंगायत हूँ, हमको भी माइनॉरिटी में हमारा आ गया तो हमारे जो गरीब भाई बंधे हमारे लिंगायत के और मिस्टर मालूम है आप कौन सा पार्टी का, हमारे को मालूम है एक मिनट जी आप बैठ जाइए सबको मिलेगा ना मौका। पन्नौर जी मेरा गला खराब है, सॉरी। आप बोलिए, कोई नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री दो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आप गुजरात इलेक्शन देखिए वहाँ पे भी एक भी मुस्लिम को उन्होंने कैंडिडेट नहीं बनाया अपने पार्टी से, और कर्नाटक के 224 असेंबली सेजमेंट्स में एक मुस्लिम को दिखाइए जिन्होंने उनको पार्टी का टिकट दिया है, तो ये मुसलमानों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? राजकुमार जी जवाब देंगे। ठीक है राजकुमार जी, पार्टी इज सीइंग डेफिनेटली ऑन सर्विस, इफ पीपल आर कमिंग, इफ पीपल आर ज्वाइनिंग, डेफिनेटली यहाँ पर मैंने बोला ना, एक राजकुमार जी एक चीज का जवाब दीजिएगा। एक मिनट राजकुमार जी, हाँ बोलिए। आपने कहा कि पार्टी विनेबिलिटी फैक्टर देखती है कि कौन जीत सकता है, यही कहा ना आपने? सर्वे हुए, आप चीज बताइए, येदुरप्पा साहब अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको भी टिकट नहीं दिया आपने, तो ये लोग कह रहे हैं कि एक सीएम बेटे को टिकट नहीं दिला पाया, पार्टी को जीत कैसे दिलाएगा? हमारा गांधी फैमिली नहीं है, हमारा डायनेस्टिक, वी आर नॉट डायनेस्टिक, कार्यकर्ताओं का पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं का पार्टी है। राजनाथ सिंह का बेटा नहीं दिखा टिकट, ये कार्यकर्ताओं का पार्टी है, जो कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। राजू जी, नहीं, राजू से आप चाहते हैं सारी परिवार में बांट दी जाए टिकट आपकी पार्टी की तरह, अभी इनके देखिए ना, अभी कांग्रेस भी देखिए, इनके ब्रदर एमएलए, आप ये चाहते हैं सारी टिकटें परिवार में बांट दी जाए, यूथ प्रेसिडेंट है, नारेबाजी नहीं। हमने 9 साल से मैंने काम किया है, ना तो कोई गवर्नमेंट का हमने कुछ पैसा लिया, ना तो गवर्नमेंट की पोजीशन मांगी, ना तो कुछ नहीं, हम सिर्फ एक कार्यकर्ता करके हम काम कर रहे हैं, सिर्फ एक कार्यकर्ता काम करते हैं, मुझे कोई दूसरा कांग्रेस कार्यकर्ता कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जिला सभी लोग मेरे नगर अध्यक्ष बने, बोलिए इट इज एन इलेक्टेड बॉडी। ठीक है, एक मिनट राजकुमार टोपनवार जी, टू आंसर योर क्वेश्चन, द एमएलए इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, इज ही नॉट द यूथ कांग्रेस होल्ड्स इलेक्शंस एवरी 3 years,
हर तीन साल में यूथ कांग्रेस में इलेक्शंस होते हैं। आपके युवक मंडल में कभी आज तक इलेक्शंस हुए हैं? बीजेपी के युवक मंडल में कभी आज तक इलेक्शंस हुए हैं? बीजेपी के युवक मंडल में आज तक अभी इलेक्शंस नहीं हुए, यूथ कांग्रेस में हमेशा से होते हैं। और मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट पिछले तीन बार से इलेक्टेड हूं, हमारे में सिलेक्शन नहीं होते हैं और हम यहां पर बांटते नहीं हैं। एक सेकंड, मेरी और एक बात आप सुन ली, आपको अगर बात आपको अगर सुनने की हिम्मत नहीं है, राजकुमार बोलिए माइक दीजिए। अगर आपको बात सुनने की क्षमता नहीं है आप में तो कहिए। मैं सुन रहा हूँ। आपके युवक मंडल में आज तक अभी इलेक्शन हुआ नहीं है। दूसरा, यूथ कांग्रेस में हमेशा हर तीन साल में एक बार होता है। बेलगाम सिटी डिस्ट्रिक्ट के यूथ कांग्रेस की कमेटी में 16 मेंबर हैं, एक ही मुस्लिम है, वो मैं जो प्रेसिडेंट है। उसमें एससीज है, एसटी है, क्रिश्चियंस है, जैन्स है, माइनॉरिटी का हर आदमी है, लिंगायत तक है। जी क्या आपके युवक मंडल में ऐसा होता है? नहीं होता है। एक मिनट जवाब दीजिए आप, एक मिनट आपका नाम क्या है सर? फैजान जी का सवाल है, जवाब दीजिए राजकुमार। देखिए, इवन इन बीजेपी, हमारे युवा मोर्चा में इट इज ऑन द क्रेडिबिलिटी, कार्यकर्ता कितने तरह के इलेक्शन के आप पे इलेक्शन मैनेज्ड है, आपके इलेक्शन मैनेज्ड है। आप बोल रहे हो, मुझे एक बात बोलिए कि आप बोल रहे हो कि आपको छोड़ के कोई और कार्यकर्ता कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अध्यक्ष बने? ये तो गलत बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुझे एक बात बोलिए, राजू सेठ जी, राहुल गांधी चुनाव लड़के अध्यक्ष बने क्या? राजू सेठ साहब, आई एम नॉट गोइंग पर्सनल, आई एम गोइंग ऑन द राहुल गांधी चुनाव लड़के अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पार्टी के। या आपको नहीं पता था सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे? किसको नहीं पता था? जब से पैदा हुए थे उनको तब से पता था कि वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। एक मिनट जवाब देने दीजिए। वो एक इलेक्शन होता है। कौन सा इलेक्शन, कहाँ हुआ था सर इलेक्शन? दिल्ली में इलेक्शन हुआ। कौन सा इलेक्शन हुआ सर? प्रेसिडेंट को जब राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाया, इलेक्शन हुआ नहीं सर? वो क्या डमी इलेक्शन था सर? वही तो बोलिए ना। ठीक है, एक आप ये नहीं कर सकते, दो जगह लड़ रहे हो सिद्धरामैया, डर के दो जगह लड़ रहे हैं। और नेक्स्ट 1-10 ओपिनियन पोल देखो, 140 सीट आएगा बीजेपी का। दो जगह लड़े थे, नहीं लड़े थे मोदी साहब? वाराणसी और गुजरात में नहीं लड़े थे क्या? ये मुद्दा कर्नाटक में बहुत लोग पूछ रहे हैं, दो सीटों से लड़ने से क्या ये कहा जाए? ऐसे तो मेरे ख्याल से श्रीरामुलु साहब भी दो सीटों से लड़ रहे हैं। मंजूर साहब, क्या हार के डर की वजह से दो सीटें चुनी है क्या सिद्धरमैया साहब ने? नहीं, एक मिनट जवाब देने दीजिए मंजूर साहब, फिर आप बोलिए। चलिए आप बोलिए। सिद्धरामैया साहब क्योंकि नॉर्थ कर्नाटक को एक शक्ति देना चाहते हैं, उससे के लिए नॉर्थ कर्नाटक ऐसे भी बैठे हैं वो। तो फिर चामुंडेश्वरी को कमजोर करना चाहते हैं? चामुंडेश्वरी पुराना सीट है उनका, वो पुराना सीट है चामुंडेश्वरी का। जी राजकुमार जी, आप क्यों कह रहे हैं कि हार के डर से दो सीट? लास्ट 5 years में सिद्धरामैया जी हैज ओनली फोकस्ड इन साउथ। जैसे येडियुरप्पा जी जब कर्नाटक के सीएम थे, द काइंड ऑफ फोकस ही गिव टू नॉर्थ कर्नाटक एंड स्पेसिफिकली बेलगाम, इन्होंने नहीं किया है। और इनका जो भी है, दे आर लिमिटेड टू सर्व, लेकिन फायदा हो जाएगा क्या? ये शक्ति देने का बात ही नहीं है। जो भी बजट है नॉर्थ कर्नाटक में, क्या सिद्धरमैया की चुनाव लड़ने से राजकुमार की बात कर रहे हैं? राजकुमार जी, राजकुमार जी, क्या सिद्धरमैया के बादामी से लड़ने से नॉर्थ कर्नाटक में भी फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को, इसलिए आप लोग घबरा रहे हैं? मुझे नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मंसूर साहब, क्या पता आपका प्रश्न, दो सीटों से लड़ने का क्या मतलब? क्या हार का डर है सिद्धरमैया साहब को या कुछ और? आज कोई भी लड़ रहा होगा तो थोड़े कॉन्सियंसियों में अपने अपने फॉलोअर्सों के भी बहुत कुछ तमन्नाएं रहते हैं। ऐसा है कि मैं एक आदमी को चाह रहा हूं तो वो मेरे भी कॉन्सियंसी में आ जाओ, ऐसे लोगों के चाहत से भी जाना पड़ता है। और कई बार अगर वहां पे तुम्हारे एग्जिट पोल बुला रहा है, अभी आजकल तुम्हारे मीडिया वाले एग्जिट पोल इलेक्शन आने से पहले आप ही डिक्लेयर बोल देते हो, उस हिसाब से डर से भी आके दूसरे तरफ खड़ा होने का भी अंदाज दिखता है। ये आपके लिए चिंता की बात है और खतरे की घंटी है। मैं लगातार मंसूर साहब से सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए बी टीम में बात नहीं है। कांग्रेस के बी टीम में, आप बी टीम कहिए, सी टीम कहिए सर, चुनाव के बाद अगर जरूरत हुई साथ मिल जाएंगे, सरकार बन जाएगी, क्या करेंगे बीजेपी? देखिए कांग्रेस इनके साथ सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस का साथ ऐसा नहीं है, हम अपोजिशन में बैठे हैं, इनके सरकार नहीं बनेगी, साथ नहीं है। आज कांग्रेस का भी बोल रहा हूँ मैं, ये नेशनल पार्टी, आज बीजेपी बोल रहा हूँ, आज कांग्रेस भी उतना ही जितना बीजेपी है। आज कांग्रेस
पीछे से आकर चोरा भोकती है तो बीजेपी वाले सामने से आके चोरा भोकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो चुके हैं। सामने वाले से डरना पड़ता है, पीछे वालों से बच के रहना पड़ता है। पीछे वालों से उनको बच के रहना बहुत देर से चलते रहता है। आप अपनी पार्टी को कहां खड़ा देखते हैं बेलगाम में, बेलगावी में? आप अपनी पार्टी को कहां खड़ा देखते हैं, महाराष्ट्र एकीकरण समिति को? महाराष्ट्र एकीकरण समिति को आप कहां खड़ा देखते हैं आप अपनी पार्टी को? सर आपकी संख्या भी लगातार कम हो रही है, 7-5 से 2 पे रह गए आप लोग। देखिए सर, महाराष्ट्र एकीकरण समिति एक बोलते हैं एक प्रिंसिपल के बारे में कि जो प्रदेश मराठी प्रदेश है उसका समावेश महाराष्ट्र में करना चाहिए, इस एक ही सेंटेंस लेकर गत 62 साल झगड़ रही है। कर्नाटक में चाहे बीजेपी हो, हमारे कुमार स्वामी का जेडीएस हो या कांग्रेस हो, ठीक है, कोई भी आया तो और ये मामला मेरे ख्याल से सबजुडिस है। मराठी मामला से सबजुडिस है। आप बताइए राजू जी, ये नाराजगी क्यों है? एक मिनट मंसूर साहब, एक मिनट, वो सत्ता में वो जवाब देंगे। जब आती है एक मिनट मंसूर साहब, एक मिनट, कुमार स्वामी का जब नाम आया तो बोलना पड़ता है। कुमार स्वामी जब पहला जब सीएम हुआ तो इनको खुद में ले मैदान में परमिशन नहीं दे रहे थे। पहला आदमी है जो मैदान में परमिशन दिया फंक्शन चलाने के लिए, ठीक है, तो फिर फंक्शन चलाने के लिए दिया हमारा, तो फिर फंक्शन चलाने के लिए तो वही बड़ी बात है ना। ये नाराजगी है, अगर डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो ये नाराजगी है क्या? उसके पहले मैं यहाँ पर 18 सीटें हैं, उस हिसाब से 45% मराठी वोटर भी है यहाँ पर, ये नाराजगी भारी पड़ेगी, वरना आप लोग जय महाराष्ट्र का नारा भी लगा देते हैं चुनाव जीतने के लिए। नहीं, कभी नहीं दिया, अभी नहीं दिया। अभी ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एक महिला कैंडिडेट ने बता दिया जय महाराष्ट्र का घोषणा की, उसने जय महाराष्ट्र घोषणा नहीं दी, और इसने इतना ही कहा कि अगर बेलगाम हाई सुप्रीम कोर्ट अगर ये करता है महाराष्ट्र का, मैं जाने तैयार हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? चले, वो जाने तैयार हो, वो जाने के लिए यहाँ पे रहते हैं, वो बोलना ही एक एक सर्वे से एक और चीज निकल कर सामने आई है, उस पर भी हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं। आप बोलिए राजू जी, जल्दी जाता हूँ। इन्होंने बेलगाम के डेवलपमेंट के बारे में एक बात की थी कि 5 साल में बेलगाम का डेवलपमेंट बात नहीं हुआ। मैं सभी मेरे दोस्तों को और ये दोस्तों को भी एक दो मिनट एक ही दोस्त है, पब्लिक है, जनता है, दोस्त अलग, वो दोस्त अलग कैसे? डेवलपमेंट इज सिलेक्टिव, इट इज टू सर्टन एरिया ओनली, नॉट आई विल नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट, आई विल नॉट आंसर, हाउएवर दे कैन स्क्रीम, आई विल नॉट एग्री। ठीक है सर बैठ जाइए। एक मैं बताता हूँ, एक मिनट, एक और चीज सर, सर्वे में एक और चीज निकल कर सामने, एक मिनट मंसूर साहब, एक बार मुझे सर मुझे भी बोलने दीजिए मंसूर साहब, बोलता हूँ। एक और चीज सर्वे में निकल कर आई है कि सीएम की पसंद में सिद्धारमैया आगे निकलते नजर आ रहे हैं, पसंद की बात की जाए तो ये सर्वे में, ये राजकुमार साहब, चॉइस गलत हुई सीएम की या सिद्धारमैया क्योंकि लोकल एक्सेप्टेंस उनकी ज्यादा इसलिए वो आगे निकल रहे हैं सीएम पॉपुलर? सिद्धरमैया इज नॉट पॉपुलर, सिद्धरमैया इज नोन फॉर हिज 10% करप्शन, सिद्धरमैया इज नोन फॉर ब्रेकिंग हिंदू, ब्रेकिंग लिंगायत, दिस इज योर पॉलिटिक्स, दिस इज योर पॉलिटिक्स, 10% कमीशन, एंड द प्रॉब्लम विद कांग्रेस राहुल गांधी हैज अ केस ऑन हिम, हीज कम ऑन अ बेल, एक मिनट, येडियुरप्पा जी हैज कम क्लीन, ठीक है मंसूर साहब, प्रॉब्लम विद कांग्रेस इज दे डोंट बिलीव इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ओके मंसूर साहब, ये आप जी आप बोल रहे हो 5 साल के बहुमत देखकर 5 साल किया हुआ गवर्नमेंट बीजेपी का भी था, उस समय में 3 चीफ मिनिस्टर बदले गए, एक येडियुरप्पा, जगदीश शेट्टर जी, सदानंद गौड़ा, येडियुरप्पा चले गए जेल को और उनके साथीदार और मंत्री गए जेल को, एक रेप केस में गया, राहुल गांधी भी जाएंगे जेल को, राहुल गांधी भी जाएंगे जेल को, चलो येडियुरप्पा जी कौन सर, ऐसे साले कांग्रेस जेल पार्टी इज कम क्लीन, अत्याचार ऊपर क्लीन है सर, यू कांट ब्लेम जेल का क्लीन है, वो समय में जो गए आप कोई बेलगावी की कोई मुद्दा कोई बात रखना चाहे, एक मिनट सर, अमित शाह भी जेल जाके आए, ठीक है सर, एक मिनट, नहीं बात क्या, अमित शाह जेल गए नहीं, जी जी वो भी जाके आए जेल, इधर आप येडियुरप्पा साहब का बोल दिए, एक मिनट, आप इधर लिंगायत का बोल दिए, दलित का बोल दिया, लेकिन इधर बेलगाम में जो मेन मुद्दा है वो मराठी का है सर, हम इधर के लोग
1956 के तब से आज तक हम महाराष्ट्र में जाने के लिए हम तड़प रहे, क्योंकि हम मुंबई राज के थे, हम मैसूर राज के नहीं थे। हमको दड़पशाही से मैसूर राज में डालकर कर्नाटक में डाला दिया गया है। और इसी बात का नेशनल जी न्यूज का जो नेशनल मीडिया आप जो दिखा रहे हैं, और मैं मोदी साहब को एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इस 25 लाख मराठी इधर के हमारे सीमा भाग की जनता है, उसका अगर कुछ भी उनको मोदी साहब के दिल में कुछ भी है तो उसका आउट ऑफ कोर्ट निर्णय ले रहे, कोर्ट में तो ये प्रश्न हम बड़े हो जाएंगे, नहीं तो हमारी हम लोग भी कमेंट नहीं करेंगे। मामला सब जुड़े से कोई और सवाल आप में से एक का भी पहले ले लेना चाहिए उन्होंने। एक मिनट, कोई और सवाल पीछे की तरफ, जयपाल जी पीछे की तरफ हाथ उठा रहे हो, उनको माइक दीजिए, आगे दे दीजिए फिर पीछे दीजिएगा। सर डेवलपमेंट की जब तक बात हो, जो अभी रूलिंग MLA है, हम बेलगाम के नॉर्थ के रहने वाले हैं, आज तक हमारे एरिया में रोड्स नहीं है, 4.5 साल गवर्नमेंट सो ही रही, आज भी 10 दिन में एक बार पानी आती है, रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बस फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तड़प रहे और ऊपर से जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे कसाई खानियों को चला दिया है लोगों ने। ठीक है, इतना सारा जयपाल जी, ठीक है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के भारत रत्न, उन्होंने कहा था कि बेलगाम सह समस्त सीमा भाग ये महाराष्ट्र का है और मैं क्लेम करूंगा। यहाँ 3 लोग रुके हैं, उनको पूछिए कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर का समर्थन करते हैं क्या। ठीक है सर, मामला सब जुटे से इसलिए हम लोग कमेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे की तरफ, जल्दी से सर, जल्दी से पकड़ने के, ये बेलगाम नॉर्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, रोड नहीं हुआ करके जो बोल रहे ना, सबको 200% झूठ बात है। अभी जो देखो बेलगाम में 50 साल से जो नहीं हुआ, ऐसा बेलगाम नॉर्थ में डेवलपमेंट हुआ है, रोड देखो, रूरल एरिया में देखो, नगरी में देखो, कैंप प्रदेश में देखो, सिटी में देखो, किधर में देखो, पीछे पीछे माइक दीजिए जयपाल जी, चलो एक मिनट सर, हेलो, जो भी है ना बेलगाम के अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है, आज से जो है पहले कुछ नहीं था, आज जो है बहुत डेवलपमेंट हुआ है, सबका गरीब का, हर गरीब का, स्कूल का और जो भी है सर वो रोडों का और बस का जो भी है ना, राजू जी 100% पूरा। राजू जी देखिए, अगर लोग कह रहे हैं कि काम हुआ, एक तरफ कहा जा रहा नहीं हुआ, एक तरफ काम हम हुआ, दिखाएंगे एक, ना हम एक, दिखाएंगे एक, हम दिखाएंगे राजू जी, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बैठ जाइए राजू जी, अगर काम हुआ है सर, अगर काम हुआ है तो आप लोग काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप लोग लिंगायत का मुद्दा ला रहे हैं, एक मिनट ना, एक मिनट, आप लोग सर कन्नड़ प्राइड का मुद्दा ला रहे हैं, आप लोग अलग झंडे की बात करते हैं, आप लोग कन्नड़ प्राइड का मुद्दा ला रहे हैं, मेट्रो से आप लोगों ने वो हटा दिया सर, मैं आपसे, आप लोग विकास पर बात करिए ना सर, आप लोग जो काम कर रहे हैं उस पर वोट मांगिए। बात करता है बेलगाम जिले का जो है, जो मंदिर मस्जिद की बात करता है, हम तिरंगे की बात करते हैं। ठीक है सर, कितनी सीटें, हम तिरंगे की बात, कितनी सीटें सर 224 में से, मुझे वाइंड अप करना है, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को, 140 सीटें बीजेपी, 120 प्लस, मंजूर साहब JDS को कितनी सीटें आप लोग दे रहे हैं, किंग मेकर या किंग, 150, ये तो 350-400 से ज्यादा हो गई। जाते जाते आप सभी से, कर्नाटक में किसकी सरकार बनने जा रही है? चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो ये बेलगावी का माहौल, यहाँ पर विधानसभा की 18 सीटें हैं और माहौल पूरी तरह से चार्ज है और पूरे कर्नाटक का यकीन मानिए यही हाल है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, 12 तारीख को वोटिंग, 15 तारीख को नतीजे, कर्नाटक पॉलिटिकल लीग का सफर लगातार जी न्यूज पर जारी है। आज बेलगावी से हमारे साथ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।